गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की डेट 13 अगस्त में एंड डे सैटरडे। लेट्स स्टार्ट द न्यूज। और आज के डिजिटल अखबार में है 50 पन्ने। यस, बहुत ज्यादा हो गया आज तो। तो पहली खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो कश्मीर वैली में वहाँ पे अब माइग्रेंट्स मजदूर हैं बिहार के यूपी के, उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। बेसिकली रात में उनको हमला कर रहे हैं, मतलब छिप करके मार रहे हैं। मतलब गलत है यार ये। सो चाइना की ये देखा गया कि एक जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत वो जो अपने इंस्टीट्यूशन खोलते हैं अपनी लैंग्वेज के तहत, अब धीरे धीरे वो अपनी पैठ बना रहा है वहाँ के लोगों के बीच में। और ये ड्रैगन मतलब जो चाइना का जो वो करता है उसका ये घुसपैठ का ये नया तरीका है। से बच के पहले फोन फिर अब ऐसा सब कुछ हर जगह से। सो NIA की एक रिपोर्ट के हिसाब से श्रीलंका और भारत में पाकिस्तान लिट्टे ग्रुप को वापस से एक्टिवेट करना चाहता है। राइट, ये इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। ये वही ग्रुप है जो एक समय बहुत आतंक गतिविधियां कर रहे थे अपना ये श्रीलंका में। फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम। यस। सो भोपाल में एक बहुत अच्छी पहल देखी गई कि जो भोपाल का बड़ा तालाब है वहाँ के जो चारों तरफ के जो बैंक्स में सोलर पैनल लगाए गए हैं और इससे 25 मेगावाट तक बिजली बनाई जा रही है। सो ये बहुत अच्छी बात है। और बेसिकली जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स वहाँ लगी हुई हैं वो सारी इसी से रोशन हो रही हैं। बट सेम टाइम मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, कुछ लोग उसको गंदा भी करते हैं, पान तंबाकू खा करके थूक देते हैं। सो कृपया ऐसा ना करें, ये अपना भोपाल है, साफ स्वच्छ बना के रखें। बिल्कुल। तो नेमावर रोड, मक्सी रोड और भोपाल रोड पर कंजर ग्रुप जो सक्रिय हो गया है, रोजाना 10 वारदात ये लोग कर रहे हैं। हर महीने 1 करोड़ की ट्रक की कटिंग करते हैं। बेसिकली लोग क्या करते हैं, ट्रक में चढ़ जाते हैं। आप कई सारे वीडियोज इनके यूट्यूब में देख सकते हैं। चलते ट्रक में चढ़ करके वो जो रोप है उसको कट कर देते हैं, पॉलीथीन जो पैकेज को कट करके जो माल है उसको रोड में फेंकते हैं। कई बार इसमें महंगे महंगे मोबाइल्स और भी एक्सपेंसिव आइटम उसमें हो सकते हैं। राइट। तो कारोबारियों ने क्या किया है कि इन 3 रूट पर माल भेजना ही बंद कर दिया। ये उन्होंने अच्छा तरीका किया है ताकि अब पुलिस थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाए। पुलिस अभी भी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं हुई है। राइट। सो प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था हर घर तिरंगा, लोग अब इसकी रैलियां निकालने लग गए हैं, जिसको कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। अभी भी देखा गया था रिसेंटली भोपाल में भी इतनी लंबी रैली निकाली गई थी कि 4-6 घंटे का जाम लग गया था। तो ऐसा मत करिए नेता लोग कि उससे जो आम लोग हैं उनको परेशानी पहुंचे। बिल्कुल। तो भोपाल लोकल से एक और न्यूज़ है कि भोपाल बड़े तालाब में एक नया फाउंटेन सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें भोपाल के इतिहास के बारे में बताया जाएगा और देश के इतिहास के बारे में भी बताया जाएगा। और ये 15 अगस्त से उसका उद्घाटन चालू हो जाएगा, इसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। तो आप भोपाल से हैं तो ज़रूर देखने जाएं। रात को ये शो ज़्यादा होंगे, दिन में नहीं होंगे, बिकॉज दिन में ये दिखेगा नहीं। ये म्यूजिकल लाइटनिंग एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है, अद्भुत कॉम्बिनेशन। तो एक रिपोर्ट ये आई है कि 305 करोड़ रुपए से निर्मित डैम धार में जो कारम डैम है उसमें लीकेज है और इसके ढहने का खतरा है। लगभग 18 गांव खाली कराए गए हैं, सेना तैनात कर दी गई। अगर ये डैम फूटता है तो ये बहुत ही निराशाजनक होगा। सरकार के उस सवाल भी आ जाएंगे, भैया कैसा तुमने बनाया, कौन मटेरियल तुमने यूज़ किया, कहाँ गपला किया उस कॉन्ट्रैक्टर को, ब्लैकलिस्ट। क्योंकि 18 गांव खाली कराए गए, मतलब समझिए कितना बड़ा एरिया वो कवर करता है। तो 33 साल पहले लिखी किताब द सेटनिक वर्सेस के लिए सलमान रश्दी के ऊपर कल घातक हमला हुआ है। सोचिए कितना लंबा ये लोग दबा के रखे थे और कल जाके इनका गुस्सा निकला है और कल ये जो राइटर है इसके ऊपर हत्या करी गई है। किन्होंने हमला किया है ये? अब वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने हमला किया है। न्यूयॉर्क की बातें बताइए, ये न्यूयॉर्क में दिन दहाड़े इनके ऊपर ऐसी घटना हुई है। तो इसे लेकर के उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था पहले ही, बट ये विवाह होकर के बातें रख रहे थे और इसलिए उन पर हमला कर दिया गया। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स का हाल अभी भी वैसा ही बेहाल है। MPPSC में भी लोगों ने हमला वो अपना एकजुट किए थे। वहीं पर इंदौर के जो विश्वविद्यालय है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, डीएवी विश्वविद्यालय, वहां से जो लोग PhD जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका भले ही सबको सिलेक्शन हो गया हो, बट फाइनल इंटरव्यू पिछले 2-1.5 महीने से लटका हुआ है। पहले लोग चुनाव कारण बता रहे थे, अब जो भी रीजन हो इनका ये कहना है कि अब सीधे सितंबर में करेंगे, लेट्स सी, भगवान जाने। बट इनसे उम्मीद है कि भैया सही टाइम पे सब कुछ कर ले। सो 1984 में हुई बहुत बड़ी घटना जिसको हम लोग बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके लिए 3.64 करोड़ से बनाए गए थे राहत केंद्र, योग केंद्र इनफैक्ट, और अब उसमें शादियां हो रही हैं। बहुत बढ़िया, बधाई हो।
इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। पहले नगर निगम को बोला गया, फिर बोला गया कि संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी है। बेसिकली सब पैसा कमाए पड़े हैं और जो असली जिनको जरूरत थी वो पता नहीं कहाँ योग सीख रहे हैं। आप लोग सुनते होंगे हिरोशिमा नागासाकी में कि लोग इतने दिन इतने साल तक उनको वो हुआ। आज भी भोपाल में कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस दुर्घटना के बाद अफेक्टेड हैं, इधर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। राइट। सो कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिलता है रेलवे टिकट्स पे, वो बंद कर दिया गया था। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरिफाई कर दिया था कि कोविड के बाद भी ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी और कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। इसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ था, बट अब गवर्नमेंट थोड़ा बैक ट्रैक कर रही है और 15 अगस्त के बाद से AC 3 और स्लीपर में वापस एक कंसेशन दे सकती है। घोषणा अभी नहीं हुई, ऑफिशियल घोषणा 15 अगस्त को ये लोग करेंगे, उम्मीद है कि कर दें। तो महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई है और एक नया खुलासा हुआ है कि शिंदे के जो मंत्रिमंडल में सभी मंत्री 20 करोड़पति। तो इफ यू आर मंत्री यू आर करोड़पति, ए इज इक्वल टू बी। वेनिस जो कि टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, लगभग साल के 2 करोड़ लोग वहां घूमने पहुंचते थे, बट अनसर्टेन रीजन की वजह से वहाँ अब लोग नहीं पहुँच रहे हैं, एकदम सुनसान बिखरा पड़ा है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को वहाँ घाटा पहुँचा है, इसलिए वहाँ के लोकल लाइट्स को भी घाटा पहुँच रहा है। वेनिस आपने घूमा है? मैंने तो नहीं घूमा है बट मुझे घूमना है, बहुत सुंदर शहर है। सो आज की लास्ट न्यूज़ है पॉजिटिविटी से भरपूर। एक जो लेडी थी उसकी किस्मत ऐसी थी कि बहुत शानदार किस्मत लेके आई थी ये बहन। बेतवा में, बेतवा नदी में बह गई थी, पुल के सरिया में फंस गई थी, बेसिकली जो पुल में सरिया था उसमें फंस गई थी। बचाते वक्त नाव में बैठाया तो नाव भी पलट गई, लकड़ी पकड़कर 20 किलोमीटर तक बही, पेड़ के सहारे रात गुजारी और सुबह लोगों ने निकाला। वाह, फाइनली इसने मौत को मात दे दी, और इसके संघर्ष, इसीलिए कहते हैं अगर आप संघर्ष वाले हैं, अगर आप जीवट हैं, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है, तो भगवान आपका साथ जरूर देते हैं और ये फाइनली बच गए। और इसी तरह हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो नेशनलिस्ट थे, उनका साथ दिया भगवान ने और वो खुद ने, और हम लोग उन्हीं की कहानी बता रहे हैं अपने सीरीज 57 से 47 तक में। सो प्लीज वॉच इट। बिल्कुल। सो विद दिस मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।